नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे के क्रम में आज जनजातीय जिला किन्नौर पहुंचे और जहां समदो हेलीपैड पहुंचने पर ब्रिगेडियर आरपी सिंह ब्रिगेडियर कमांडर ने राज्यपाल का स्वागत किया। साथ ही लाहौर स्पीति और किन्नौर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने समदो के सैन्य शिविर, भारत तिब्बत सीमा बल की फॉरवर्ड पोस्ट लेपचा और सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और वाइब्रेट विलेज योजना के तहत उन्होंने विभिन्न गांवों का भी दौरा किया गया। आपको बताते चले कि इस दौरान उनके साथ लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी मौजूद रही और वहीं राज्यपाल ने कहा कि भारत की सुरक्षा हमारे जवानों के कंधों पर है। उन्होंने कहा कि भारत का हर व्यक्ति आईटीबीपी के जवानों के प्रति जो आदर रखता है वह हमारे जवानों के जज्बे को बढ़ाता है। वहीं राज्यपाल ने आईटीबीपी के जवानों को अपनी किसी भी प्रकार की समस्या उनके साथ साझा करने के लिए भी प्रेरित किया। आने वाली थी क्योंकि 18 फरवरी को मैंने अपना ओथ लिया था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि क्या कार्यक्रम है, हमने कहा सोच ही रहे कि मैं रहने वाला गोरखपुर उत्तर प्रदेश। हर त्यौहार आप लोगों के बीच मनाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं उनका फोटो भी आप लोगों के ड्रेस में आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने आज शिमला स्थित चौड़ा मैदान में जमकर हमला बोला। वहीं धरना प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सभी विधायक और प्रदेश अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों के समय झूठे वादों और गारंटियों से जनता को गुमराह करके सत्ता में आई कांग्रेस का असली चेहरा 10 महीनों में ही बेनकाब हो गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अभी 10 महीने का समय पूरा नहीं हुआ है और 10 महीने के अंदर ही जनता के बीच सरकार के प्रति इतना रोष है। और इसके साथ हिमाचल बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की महिलाओं से किए गए वादों को नकारा है। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर मंडी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में आई आपदा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा से लोगों को भारी क्षति हुई है जिससे कि प्रदेश सरकार धीरे धीरे उबारने का कार्य कर रही है। साथ ही कहा कि आपदा तो हर क्षेत्र में हुई है लेकिन टूरिज्म क्षेत्र में कोरोना और आपदा से भारी क्षति पहुंची है, सरकार को इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए प्रदेश को अभी टाइम लगेगा लेकिन यहां के सांसदों को केंद्र सरकार से मंडी क्षेत्र की समस्या को संसद में रखना चाहिए था और उस तरह से इसे नहीं रखा गया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस आपदा से बचने के लिए प्रदेश सरकार सही दिशा में कार्य करे और प्रभावितों को सरकार यथासंभव मदद शीघ्र पहुंचाए। के बाद जो है बढ़ चढ़ के लोगों की सहायता जरूर की है परंतु उन्होंने एक मापदंड रखा है, सभी जो प्रभावित थे उनके लिए उन्होंने एक मापदंड रखा और कहीं लोग जो हैं जिनका कुछ भी नहीं रहा हुआ है, मैं समझता हूं कि प्रदेश के लोगों के लिए जहां जिनका बहुत भारी नुकसान हुआ है उनके लिए सरकार को जो है अलग से एक रणनीति बना के उनकी सहायता करनी चाहिए क्योंकि कई लोगों के पूरे तरीके से जो है घर चौपट हुए हैं। और मेरा ये उद्देश्य है, केंद्र सरकार से भी मैंने निवेदन किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो है थोड़े घरों के लिए जो है प्रदेश के लिए अगर केंद्र की तरफ से राहत आ जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को इसमें जो है हम एक रिलीफ देने का कार्य कर सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश में जनजागरण यात्रा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों के द्वारा परिधि गृह बिलासपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि देश भर में आयोजित होने वाली इस यात्रा की जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहमंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने कहा कि अगले साल जनवरी महीने में अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजन होना है और जिसको लेकर 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक प्रदेश के 27 संगठनात्मक जिलों में बजरंग दल के सहयोग से हिंदू जनजागरण यात्रा आयोजित की जाएगी और जिसमें पंचायत प्रतिनिधि, विधानसभा और लोकसभा सदस्य, संतों व व्यासपीठ पर बैठे महात्माओं को भी यात्रा में शामिल करने का न्योता दिया जाएगा ताकि अयोध्या राम मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के साथ ही हिमाचल प्रदेश के सामने आए लव जिहाद, लैंड जिहाद, गो तस्करी के मामलों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा सके। आयोजन किया जा रहा है 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक विश्व हिंदू परिषद युवा विभाग बजरंग दल के तत्वाधान से पूर्ण हिंदू समाज को साथ लेकर एक जिला शाह बजरंग दल शौर्य यात्राएं होने जा रही हैं। ये यात्राएं अखिल भारतीय स्तर पर हो रही हैं, जिसका उद्घाटन 26 तारीख शाम को लाहौल स्पीति की यात्रा का कुल्लू से होगा और 28 को समापन होगा। इसी विषय में बजरंग दल के माध्यम से 27 संगठनात्मक जिलों में अलग अलग यात्राएं निकलेंगी। अयोध्या के अंदर जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के निमित्त हिंदू जन जागरण को जागृत करने हेतु यात्राएं निकाली जा रही हैं। सोलन में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उचित लेखों के प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से विकासखंड कार्यालय में 3 दिवसीय लेख प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया और जिसमें सोलन विकासखंड की 40 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया। वहीं आपको बताते चले कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह और क्लस्टर लेवल फाउंडेशन की महिलाओं को लेख प्रबंधन के बारे में जानकारी देना है ताकि वो अपने समूह के रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन कर सके, वहीं अपनी बात और अपने कार्य को सहजता से उच्च अधिकारियों तक रख सके। वहीं प्रशिक्षु महिलाओं ने इस कार्यशाला को बेहद ही लाभकारी बताते हुए कहा कि पहले उन्हें बुक कीपिंग की जानकारी नहीं थी और जिससे काम करने में बाधा उत्पन्न होती थी और इस कार्यशाला से उन्हें ज्ञान मिला है जो कि उनके लिए लाभकारी होगा। जो भी प्रशिक्षण चल रहा है ये 3 दिन का है जी और यहाँ पूरे 14 भी इकट्ठे हुए हैं और इसमें हमारे को बहुत आनंद आ रहा है सीखने में। जो हमारे को आता नहीं था, जो हम में कमियां थी वो हमारी कमियां दूर हो रही है और हमारे को जो भी हिसाब किताब बुक कीपिंग का आज दिन तक सही पता भी नहीं था, हम बहुत पजल खजल होते थे, तो उसकी यहाँ पे हमारे को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये प्रशिक्षण हमने अब आगे अपने अपने समूहों में देना है। ट्रेनिंग सोलन ब्लॉक की ओर से प्रोवाइड की जा रही है। इसमें हमें बुक कीपिंग का कार्य सिखाया जा रहा है जिसमें हम व्यय, नगद और अन्य प्रकार के प्रशिक्षण से प्रशिक्षित हो रहे हैं। इसका एक उद्देश्य यह है कि हम अपने समूहों में, ग्राम संगठनों में और CLF में जाके अन्य समूहों को ये जानकारी दे सकें कि बुक कीपिंग हमें कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उसको हमें सभी लोगों को कैसे बताना है कि बुक कीपिंग का कार्य कैसे किया जाता है। इसका उद्देश्य हम लोगों के मतलब यही है कि जो हमारे भी स्वयं सहायता समूह हैं या हमारे CLF हैं, हमारी VOs हैं, अपने ग्राम स्तर तक और अपने संगठन स्तर तक अपने लेखों का संधारण अच्छी तरह से कर सकें और ताकि कोई कठिनाई ना आए, क्योंकि बैंक में जाना होता है, सब लेखे सही रहेंगे तो सोशल ऑडिट कल को होता है, किसी भी अनावश्यक लेखापत्ति से भी बचा जा सके अगर लेखों का संधारण सही हो। हमारे यहाँ 40 पार्टिसिपेंट्स हैं जो डिफरेंट VOs और पंचायत से आए हुए हैं। खबर शिमला से है जहां ठियोग के तहत पड़ने वाले देहा की ग्राम पंचायत घोड़ना के गांव अरशाला में रात को एक घर में आग लग गई। वहीं आपको बता दें कि 3 मंजिला मकान में लगी आग से मकान को तो
मकान तो जल ही गया, साथ ही साथ आपको बताते चले कि 75 साल के एक बुजुर्ग की भी मकान के अंदर जलने से मौत हो गई है। वहीं मृतक की पहचान जयराम पुत्र रत्ती राम के रूप में हुई है। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान आग की चपेट में आने से 2 गायों की भी जलने से मौत हो गई है। फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है और राहत बचाव भी लगातार किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।